हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हो कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग स्मार्टफोन के अंदर कर पाए? तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप इस टाइप के आईपीएल फोटो एडिटिंग फोटो स्टेटस बना सकते हो। फ्रेंड्स, चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए फोटो एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिक्सआर्ट को डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड इमेजेस दे रहा है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाना ऑल फोटो वाले ऑप्शन में। ऑल फोटो पे आके फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना है, एक फोटो ले लेना है। फ्रेंड्स, जो भी आपका टीम रहेगा, फेवरेट टीम, उसका आपको फोटो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फोटो लेने के बाद फोटो को क्या करना है, आपको ऊपर थोड़ा स्ट्रेच कर देना और यहाँ से आपको फोटो को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बढ़ा देना है, कुछ इस साइज से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ऊपर में इरेजर टूल मिल रहा है, इरेजर टूल पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि फोटो के अंदर थोड़ा सा राउंड शेप यहाँ पे जरूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है, इरेजर टूल पर चले जाना। इरेजर टूल में आपको साइज थोड़ा सा बढ़ा देना और इसका ओपेसिटी और हार्डनेस दोनों को कम कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना और राइट साइड में यहाँ पे कुछ कर्व स्टेप से बना देना है एडिटिंग करते हुए। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि स्टेडियम के ऊपर आपका फोटो यहाँ पे आपकी फेवरेट टीम का यहाँ पे सेट हो गया है। फ्रेंड, फोटो को थोड़ा सा आपको स्ट्रेच कर देना और सेंटर लाइन करके यहाँ पे कुछ स्टेप से रख लेना है। सो फ्रेंड्स, ये सब एडिटिंग होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, ऑल फोटो पर चले जाना है। ऑल फोटो पर जाकर फ्रेंड्स, आपको ऐसे फिर से एक दूसरा फोटो मिल जाएगा। ये वाले फोटो को ऑलरेडी मैंने बैकग्राउंड रिलीज कर दिया। इसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो देखना चाहते हो, उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जगह आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फोटो को ले लिया। फोटो को लेने के बाद फोटो को आपको कुछ स्टेप से स्ट्रेच करके सेंटर लाइन करके यहाँ पर रख देना है। फ्रेंड्स, ये सब सेटिंग होने के बाद फिर से ऑल फोटो पर जाना। ऑल फोटो यहाँ पर आपको क्या करना है, विकेट का एक यहाँ पर पीएनजी इमेज मिल जाएगा। ये वाले विकेट को आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लेफ्ट अलाइन कर देना और यहाँ से आपको छोटा करके कुछ स्टेप से यहाँ पर सेट कर देना है, यहाँ पर स्टेडियम के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको सेट करने के बाद फिर से आपको ऑल फोटो पर जाना है। यहाँ से आपको शेडो पीएनजी ले लेना है। शेडो पीएनजी का यूज़ इस फोटो के जो यहाँ पे विकेट है यानी जो स्टंप से, वहाँ पे आपको क्या करना है, इसका ओपेसिटी कम करके यहाँ पे इसको सजा देना है। तो फ्रेंड्स, ये सब सेटिंग होने के बाद आपको यहाँ पर शेडो इफेक्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसके से ये सब सेटिंग होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मुंबई इंडियंस का एक पीएनजी लोगो रहेगा, वो आपको अपने टी शर्ट के ऊपर या शर्ट के ऊपर यहाँ पे बराबर तरीके से मैनेज कर देना है और इसका ओपेसिटी आपको थोड़ा सा कम कर देना है। ओपेसिटी कम होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फोटो में रियलिस्टिक एडिटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपका लोगो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पे चिपकाया हुआ है। तो ऐसे प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग आपको कर देना और यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से एक ऑल पीएनजी यानी ब्लैक कलर का पीएनजी आपको देखने को मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है। आपको स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लेंडिंग में क्या कर देना है, आपको स्क्रीन कर देना है, इसके पीछे का यहाँ पर बैकग्राउंड हट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इरेजर टूल पे चले जाना। इरेजर टूल पे जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, साइज़ और ओपेसिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है और जो भी इस फोटो के ऊपर जो लाइनिंग्स आ रही है यानी व्हाइट कलर आ रहा है उसको आपको कुछ स्टेप से रिमूव करते जाना है। तो फोटो को मैंने जूम कर दिया। उसके बाद इरेजर टूल की सहायता से इसके इस बंदे के शर्ट के ऊपर जितने भी लाइन्स आ रहे हैं उसको मैंने यहाँ पर इरेजिंग कर दिया। ये सब सेटिंग होने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर चले जाना, फोटो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद फोटो के अंदर ग्लो इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पर इफेक्ट में एफेक्ट्स और एफेक्ट्स में आपको ग्लो ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद इसका अनशार्प और ब्लर थोड़ा सा आपको कम कर देना है। सो हम देख सकते हो कि प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग यानी आईपीएल फोटो एडिटिंग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर नहीं है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।